नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे हर एक बड़ी खबर को। ताजा खबरें जानने के लिए साथ में बने रहिए दोस्तों। जहां पर जानेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर अपडेट आ रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा को लेकर भी एक बड़ी खबर है। चंडीगढ़ में चुनाव पर भी अपडेट आई है दोस्तों। तो दूसरी तरफ जानेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर ब्रेकिंग न्यूज, इसी प्रकार की खबरें जानेंगे दोस्तों। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेगा, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए #BeSupportIndiaGathbandhan। दोस्तों, चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी का जोरदार हमला, बड़ा बयान। जो बीजेपी में चुनाव में पूरी दुनिया के सामने यहाँ पे बड़ा घोटाला कर सकती है, लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, यह कल्पना से परे है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो नई यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच दोस्तों उनकी यहाँ पे नजर सभी घटनाक्रम पे बनी है और चंडीगढ़ में चुनाव में जो हुआ वो दुनिया ने देखा, लाइव रिकॉर्डिंग हो गई और अब यही लाइव रिकॉर्डिंग दोस्तों कोर्ट भी पहुंच गई। आप कांग्रेस के उम्मीदवार पहुंचे हैं हाई कोर्ट, चंडीगढ़ में चुनाव रद्द करने की मांग की है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर हो गई है दोस्तों। ये स्वाभाविक है जब सबूत है और फिर पीछे क्यों हटना। आम आदमी पार्टी के पार्षद ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में चुनाव को चुनौती दी है। अदालत ने मामले को बुधवार को सूचीबद्ध करने की इजाजत दे दी है। बीते मंगलवार को हुए चुनाव में बीजेपी का एक पार्षद विजय हुआ। आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के कारण चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव को रद्द करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि मेयर का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ, वोटों की गिनती के दौरान नियमों का घोर उल्लंघन किया गया। याचिका में नए सिरे से चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश देने का आग्रह किया गया है। कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन चुनाव भाजपा जीत गई। इनकी क्रोनोलॉजी तो समझिए। कुल 36 सीटें थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास 20 वोट थे, बीजेपी के पास 16 वोट। इसके बाद भी बीजेपी के नेता को पीठासीन अधिकारी बनाया गया और वीडियो जो लीक हुआ है उसमें वही अधिकारी कांग्रेस और आप गठबंधन के 8 वोट इनवैलिड घोषित करता दिख रहा है। इस तरह बीजेपी ने 4 वोट के अंतर से बाजी मार ली। बीजेपी ने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस पार्टी का जोरदार हमला। भारत जोड़ो नया यात्रा इस समय बिहार में है। पूर्णिया में राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार और नीतीश कुमार पे यहां पे जोरदार हमला बोला। हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, बिहार में सामाजिक न्याय के लिए महागठबंधन लड़ेगा और चुनौती देंगे और यहां पे बीजेपी जेडीयू का सफाया होगा। हमें नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं है, राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुरू करने वाली है एक बड़ा धरना। 2 दिन में राज्य के पैसे नहीं लौटाए तो शुरू कर देंगे धरना, ममता बनर्जी ने दी है केंद्र को चेतावनी। बंगाल का जीएसटी का बकाया केंद्र सरकार भुगतान नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को यहाँ पे स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर 1 फरवरी तक राज्य का सारा बकाया नहीं चुकाया गया तो वे अगले दिन से पूरे धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के हक पे कब्जा करके बैठी है, क्योंकि यहाँ पे विपक्षी दल की सरकार है, इसीलिए यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। कई बार मांग के बावजूद पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, पैसे वापस नहीं कर रही है सरकार। इससे राज्य को आम जनता के काम को कराने में समस्या आ रही है। सीएम ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान आया है। बड़ी खबर दोस्तों यूपी से आ रही है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ेंगी चुनाव। सूची के अनुसार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, धर्मेंद्र यादव बदायूं से और शफीकुर रहमान बर्क
संभल से चुनाव लड़ेंगे, लखनऊ से रविदास, उन्नाव से अनु टंटन और गोरखपुर से काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पे अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आ गई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बहुमत न होते हुए भी जिस प्रकार भाजपा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और अधिकारियों को दबाव में लेकर चुनाव जीतने की धांधली की है, उसका संज्ञान तत्काल चुनाव आयोग ले। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि संविधान के प्रहरी के रूप में सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इन नतीजों को निरस्त कर अपनी देखरेख में चुनाव कराकर न्याय संगत नतीजे घोषित करे और लोकतांत्रिक अपराध के लिए दोषी लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करे। अखिलेश बोले कि भाजपा लोकतंत्र को निगल रही है, सत्ता का ऐसा यहाँ पे खेल खेला जा रहा है जो बहुत ही घातक साबित होगा। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा, बीजेपी को लगेगा झटका, होगा घाटा। दोस्तों यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 4 रिक्त हैं, इस तरह 399 विधायक हैं। अंकगणित में बीजेपी गठबंधन के पास 277, सपा आरएलडी गठबंधन के पास 117 सीटें हैं। एक राज्यसभा सीट के लिए कुल 37 वोट की जरूरत होती है। गौरतलब है चुनाव आयोग ने अप्रैल में रिक्त हो रही 56 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की तिथि जारी की है। इनमें से 10 सीटें यूपी की हैं। मतदान तिथि जारी होते ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने जोड़ तोड़ की गणित लगानी शुरू कर दी है। इस बार खास बात यह है कि यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी के यूपी से इस समय 9 राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन संख्या बल में बदलाव के कारण इस बार वह 7 सदस्य ही राज्यसभा भेजने में सक्षम है। बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, तेजस्वी यादव पे कसा ईडी ने शिकंजा। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव बाहर निकले हैं विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही धरपकड़ का खेल ईडी सीबीआई ने शुरू कर दिया है। निशाने पे और कोई नहीं, विपक्षी नेता है, प्रमुख रूप से आरजेडी ही निशाने पर है। एक तरफ लालू यादव पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, 8 घंटे लगातार तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई, जिसके बाद वह विक्ट्री साइन दिखाते हुए बाहर निकले हैं। कयास लगाए जा रहे थे ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और तेजस्वी यादव काफी यहाँ पे खुश नजर आए हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव विक्ट्री का साइन दिखाते भी नजर आए दोस्तों, और इसकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर सीएम ममता बनर्जी का जोरदार हमला, चलो अच्छा है छुटकारा मिला। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया पहली दी है और यहाँ पे दोस्तों बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला उस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा अच्छा हुआ छुटकारा मिला। गौरतलब है इस पूरे मामले पे इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी निकल के आई है दोस्तों। ये आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार थे आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।